वेलकम माय डियर जीनियस फैंस, मैं मैथमेटिशियन मनोज कुमार आप सभी का मेरी चैनल सफलता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझसे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी, कईयों दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं बेसिक नियम पर आधारित वीडियोस बनाऊं, तो उसी की शुरुआत में पार्ट टू है हमारा फैक्टोराइजेशन का पार्ट टू। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला रखना नहीं दोस्तों आपको, प्लस है तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और अंतिम पद तो हमेशा प्लस में आना ही है। फॉर्मूला क्लियर? तो दोस्तों सवाल देखा हमने एक्स क्यूब प्लस 27, दोनों संख्याएं परफेक्ट क्यूब है, दोनों संख्याएं पूर्ण घन है, तो x इसका घनमूल x उसकी 3 घात, 27 का घनमूल 3 उसकी 3 घात, x प्लस 3। फिर हम क्या करते दोस्तों, प्रथम पद का वर्ग x स्क्वायर, प्लस है तो क्या करेंगे दोस्तों माइनस, 3 इंटू एक्स 3x, 3 का स्क्वायर 9। ओके, वन मोर एग्जांपल, 64 का क्यूब रूट 4x, इसका 5y, क्या करेंगे दोस्तों पहले पद का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 4 चौक 16, माइनस है तो 4 5 20। फिर उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 5 25y स्क्वायर। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, इसका क्यूब रूट एक्स 216 का होगा 6y, प्रथम पद का वर्ग एक्स स्क्वायर, माइनस है तो पहला पद गुणे दूसरा पद 6xy, अंतिम पद का वर्ग 6 6 36y स्क्वायर। ओके, 27 इसका क्यूब रूट 3a, 8 का क्यूब रूट 2b, प्रथम पद का वर्ग 3 का वर्ग 3 3 9, माइनस है तो प्लस, 3 2 6, 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर। वन सेकेंड दोस्तों, ये सवाल समझा दूं, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 27 का क्यूब रूट 3a, 8 का क्यूब रूट 2b, तो हमने दोस्तों 3 का स्क्वायर किया, 3 3 9, 3 2 6, 2 का स्क्वायर 2 2 4b स्क्वायर। दोस्तों जो हमने पिछले फॉर्मूलास देखे उन्हीं पर आधारित कुछ मैं सवाल बता रहा हूं, फॉर्मूलास आपके दिमाग में होने चाहिए। उदाहरण के लिए आपको इसकी कीमत निकालनी है तो आपको सवाल देख के पसीने छूट जाएंगे, बट डोंट वरी, हमको क्या करना है दोस्तों, 4 3 5 इज इक्वल टू ए और 2 3 5 इज इक्वल टू बी ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ए बी। तो दोस्तों हमारे दिमाग में आया इसका फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी वही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, इससे ये कैंसल, क्या बचा ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी 4 3 5 माइनस 2 3 5, क्या बचा दोस्तों 200। तो इसको आप अगर सिंपल ढंग से करने जाएंगे जो अपना ओल्ड मेथड है तो आपको कर ही नहीं पाएंगे, मैं ऐसा बोलूंगा। तो दोस्तों इसको क्या करना है दोस्तों, आपने इसे हमने मान लिया ए दिस इज बी, फिर हमने इसको वैल्यू रखते गए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या है ए इंटू ए ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, इसका फॉर्मूला ये रहा, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, इससे ये कैंसल, बचा क्या ए माइनस बी यानी 4 3 5 माइनस 2 3 5 यानी क्या आया 200। क्लियर? वन मोर एग्जाम्पल, यहां पे हमने देखा दोस्तों संख्या रिपीट हो रही है,
0.435, 0.565, 0.435, 0.565. तुमने क्या किया दोस्तों, 435 को लिया ए और 0.565 को लिया हमने बी, तो क्या हो गया दोस्तों, ए क्यूब 3 टाइम्स आया है, ये बी भी 3 टाइम्स आया, तो क्या हो जाएगा बी क्यूब, ये क्या हो गया ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया दोस्तों माइनस ए। फॉर्मूला तो याद है दोस्तों आपको, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसल, बचा गया दोस्तों ए प्लस बी, यानी 435.565। तो दोस्तों इसको आपको पेन पेपर लेके जोड़ना नहीं है आपको, तो ये 400 और 500 हम जानते हैं, 400 प्लस 500 900 हुआ, 900 हुआ, और 65 और 35 हुआ 100, तो 900 और 100 कितना हुआ 1000, तो 1000 में यहां तीन संख्या बाद पॉइंट, तीन संख्या बाद पॉइंट, हमारा फाइनल आंसर है 1। वन सेकेंड दोस्तों, फिर से मैं समझा दूं आप लोगों को, सवाल देख के आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, सवाल देख के आपकी बत्ती जलनी चाहिए, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको हमने लिया ए ये बी, तुमने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इससे ये कट जाएगा, बचा क्या ए प्लस बी, यानी 0.435 प्लस 0.565, ये आपको इतनी गणना दोस्तों मैंने आपको समझाई है, इसको आपको गणना करनी नहीं है, आपको पूरा कैलकुलेशन माइंड में करना है, तो आपके लिए चीजें एकदम आसान हो जाएगी। दोस्तों ऐसी कई और टिप्स है मेरे पास, जानदार शानदार टिप्स है, मगर उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और घंटी बजानी होगी, यदि आपने ये घंटी बजा दी तो आपके दिमाग की भी घंटी बज जाएगी। थैंक्स अ लॉट।